तो दोस्तों आज मेरे पास में है थ्री फेस रोटेशन टेस्टर। इसकी मदद से आप UVW टेस्टिंग भी कर सकते हो फ्रिज के PCB का और AC के PCB का। और ये मिला है हमें MSC कार्ड की तरफ से। और ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए काफी यूजफुल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी हूँ, आप क्लिक करके Amazon से या इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले करता हूँ इसका अनबॉक्सिंग और फिर मैं बताता हूँ इसे किस तरह से आप उपयोग में ले सकते हैं। तो देखिए जब आप इसे Amazon से या इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से ये डब्बा मिलता है। इसके ऊपर भी पैकिंग होती है, वो हमने पहले ही निकाल दी। जब हम इसे खोलते हैं तो इसके अंदर आपको ये बैग मिलता है और इस बैग के अंदर से आपको मिलता है ये वाला टूल जिसे हम थ्री फेस रोटेशन टेस्टर भी बोल सकते हैं और UVW टेस्टिंग भी हम इससे कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको मिलते हैं क्रोकोडाइल कनेक्टर जिसे आप इसे इसके ऊपर लगा करके यूज में ले सकते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। साथ ही आपको एक मैनुअल बुक मिल जाती है जिसमें लिखा है कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे मैं आपको डेमो बताने वाला हूं। साथ ही MSC कार्ड की तरफ से आपको ये थैंक यू वाला कार्ड मिल जाता है। बाकी वारंटी वगैरह आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके क्लेम करनी होती है। ये क्रोकोडाइल जो कनेक्टर है इसे आपको इसमें इस तरह से लगा लेना है घुमा के, और उसके बाद अगर आपको किसी के वायर पे इस तरह से लगा के चेक करना है तो आप इसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इसमें आपको कोई अलग से वायर जोड़ने की या कोई अलग से क्रोकोडाइल चिमटा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसमें UVW टेस्टिंग करके दिखाता हूँ AC की PCB का और रेफ्रिजरेटर की PCB का। फिर उसके बाद में हम थ्री फेस पे इसे चेक करेंगे और उसमें देखेंगे कि इसमें रोटेशन किस तरह से चेक करते हैं। ये उल्टी तरफ रोटेशन है और ये सीधी तरफ रोटेशन है जिसमें रेड और ग्रीन लाइट दे रखी, और UVW टेस्टिंग करते समय हमें ये तीन लाइटें जलती हुई मिलेगी। तो दोस्तों ये है मेरे पास में गोदरेज की इन्वर्टर मॉडल की PCB। तो सबसे पहले मैं इसी का UVW टेस्टिंग करूंगा। इसे मैं पहले सप्लाई दे देता हूं यहां पे, और इसे कनेक्ट करने के लिए मैं ये वाले क्रोकोडाइल इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इन वाले वायर का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि इसके वायर के जो क्रोकोडाइल है चिमटे जो है वो छोटे हैं। तो मैं इन तीनों कलर के ऊपर इन्हें यहां पे लगा देता हूं। और यहां पे UVW लगाते समय आपको यहां पे भी UVW देखना चाहिए कि यहां पे कौन सा UVW वाला है वायर है। जैसे कि हमारे केस में येलो कलर का U वायर है और यहाँ पे गोदरेज की PCB में UVW नहीं लिखा हुआ था, ABC लिखा हुआ था। तो A हमारा जो है U है और B हमारा V है। तो ये मैंने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लिया। मैं आपको बता दूं कि अगर इसमें UVW आउटपुट वोल्टेज निकलेंगे तो ये तीनों लाइट एक साथ जलेगी और बंद हो जाएगी और इसमें एक बजर की आवाज आएगी। तो ये देखिए ये हमारी PCB चालू हो गई। तो देखा यहाँ पे ये तीनों लाइटें चालू होकर के बंद हो गई और ये हमारे बजर का इसमें साउंड आया और ये बंद हो गई। तो इसका मतलब ये है कि इसमें तीनों UVW आउटपुट वोल्टेज निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी PCB बिल्कुल ओके है। यदि इसमें से कोई भी अगर एक लाइट प्रॉपर तरीके से नहीं जलती तो इसका मतलब था कि इसमें से कोई एक वोल्टेज नहीं निकाल रहा है, तो उस केस में हमारी ये PCB या इसका IC इसकी खराब है। तो अब AC की PCB को चेक करते हैं कि उसका UVW आउटपुट कैसे निकलता है। तो देखिए ये है हमारे पास में AC की पूरी PCB और यहाँ पे हमने सारा सेट रखा हुआ है। हमारे पास में ये कंप्रेसर भी है। हम डायरेक्ट UVW टेस्टिंग करेंगे कि इसमें से UVW आउटपुट होते हैं या नहीं। आपको मैं पहले समझा दूं कि इसके अंदर इंडोर यूनिट की फैन मोटर नहीं है, तो इसमें कुछ ही सेकंड के लिए UVW के लाइटें जो है ब्लिंक करेगी और हल्का सा साउंड आएगा इसके अंदर। तो आपके केस में जब आप अपने AC को चेक करेंगे उस दौरान इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट आपस में कनेक्ट होंगे, उसमें सिर्फ आपको UVW टेस्ट करना होगा। तो उस केस में आपको ये जो लाइट है UVW वाली 4-5 सेकंड तक ग्लो करती हुई देखने को मिलेगी। तो ये है हमारे कंप्रेसर की पिन और इसमें हम UVW चेक करके इसके हिसाब से वायर लगा लेते हैं। तो इसमें ये ब्लैक कलर की वायर जो है हमारी W है और हमारी इस डिवाइस की वायर जो W है वो रेड कलर की है। तो देखिए हमने यहाँ पे कंप्रेसर की वायर भी लगा दी है और ये डिस्प्ले पे लाइट भी आ गई। और अब मैं इसे वापस रिमोट से चालू करता हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ पे LED है वो ब्लिंक करके बंद हो गई। तो ये देखिए ये यहाँ पे UVW वोल्टेज जो है ये हमारे निकल रहे हैं और ये प्रॉपर तरीके से निकल रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कंप्रेसर चल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे इंडोर यूनिट में फैन नहीं चल रहा और अब यहाँ पे थोड़ी देर में एरर आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे इसकी साउंड भी आ रही है, आवाज भी आ रही है जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, ये बंद हो गया। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आप इसे अपने फ्रिज के PCB पे भी चेक कर सकते हो और इन्वर्टर वाले AC पे भी चेक कर सकते हो। तो चलिए अब इसकी थ्री फेस वाली टेस्टिंग भी कर लेते हैं। उसके लिए हमें थ्री फेस वाले मीटर के पास में जाना होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो ये है हमारी MCB बॉक्स और यहाँ पे है थ्री फेस का मीटर और इसमें है थ्री फेस की सप्लाई और इसी में हम चेक करेंगे इस डिवाइस से थ्री फेस को। तो जैसा कि मैं यहाँ पे ये तीनों फेस के ऊपर मैं तीनों पिन लगा रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे इस डिवाइस के अंदर UVW लाइटें चालू हो गई और ये देखिए ये रॉन्ग साइड घूमने वाला एक इंडिकेटर चालू हो गया लाल कलर में। तो अब मैं इसकी पिन चेंज करता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। ये मैंने इसकी पिन चेंज कर दी और वापस तीनों लाइटें ग्लो हो रही है UVW और अब जो है ग्रीन लाइट इसमें चालू हो गई। इसका मतलब ये है कि ये है सही कनेक्शन। ये कनेक्शन उस चीज के लिए दर्शाता है जिस चीज के लिए आप थ्री फेस का सप्लाई देते हैं। जैसे कि आप अगर थ्री फेस की कोई मोटर लगा रहे हो और उस मोटर में यदि थ्री फेस गलत लगा देते हैं तो मोटर उल्टी घूमने लग जाती
जाती है, तो इस तरह से हम उसकी वायर बदल के उसे सही लगा सकते हैं। तो इस डिवाइस की मदद से आप सही कनेक्शन को चेक कर सकते हो कि किस तरह से आपके मोटर के अंदर या किसी भी थ्री फेज के डिवाइस के अंदर आपको कनेक्शन करने हैं, वो आप इस डिवाइस की मदद से कर सकते हैं। तो देखा आपने कि मैंने किस तरह से इसकी अल्टी पल्टी करके लाइट लगाई है, और यहाँ पे ग्रीन लाइट जब चालू होती है तो बजर जो है कंटिन्यू बजता रहता है, और लाल लाइट चालू होती है तो उसका मतलब यह है कि आपकी मोटर उल्टी घूमेगी, और ग्रीन लाइट का मतलब यह है कि आपकी मोटर जो है सीधी घूमेगी। तो यही होता है इस UVW टेस्टिंग डिवाइस का मतलब, जिसे हम थ्री फेस रोटेशन टेस्टर भी बोलते हैं। दो वायर लगाने पर आपको दो लाइट जलती हुई दिखेगी, V और W, और तीन लगाते हो तो तीन। तो इस तरह से ये डिवाइस काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो देखा दोस्तों कि किस तरह से हमने UVW टेस्टिंग किया इस पे थ्री फेस पे भी, और हमारे इन्वर्टर मॉडल के रेफ्रिजरेटर और AC के PCB पे। तो इसकी मदद से आप थ्री फेस के सप्लाई को भी आराम से चेक कर सकते हैं, जिसमें कई बार होता है कि हमारे जो थ्री फेस के डिवाइस होते हैं, मोटर वगैरह होते हैं, तो उसमें हमें सप्लाई जो है वो सही तरीके से लगानी होती है, जिसकी मदद से वो मोटर जो है सीधी तरीके से घूमे। कई बार हम सप्लाई को अगर उल्टी लगा लेते हैं तो कई बार मोटर उल्टी घूमती है, तो उस केस में आपका ये वाला UVW टेस्टर जो है काम करता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि मोटर सीधी तरफ किस तरफ घूमेगी और कहां पे आपको इसके कनेक्शन करने हैं आपके डिवाइस के। तो ये वाला डिवाइस सभी इलेक्ट्रिशियन के लिए, AC और रेफ्रिजरेटर के टेक्नीशियनों के लिए, जो भी इन्वर्टर मॉडल पे काम करते हैं या इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, उन सबके लिए ये डिवाइस काफी यूजफुल है। और आपको बता दूं कि जो हमारे PCB में से जो आउटपुट निकलता है UVW, वो भी थ्री फेस होता है, उसमें कम वोल्टेज होते हैं, और हमारी जो घर की मेन सप्लाई होती है उसमें ज्यादा वोल्टेज होते हैं, जिसमें हम 320-420 के वोल्टेज आते हैं। तो कुल मिला के इस डिवाइस की मदद से आप थ्री फेस को चेक कर सकते हो, चाहे वो आपकी PCB के थ्री फेस हो, चाहे वो DC वोल्टेज वाला हो या AC वोल्टेज वाला। इससे आपको पता चल जाएगा कि आउटपुट थ्री फेस निकल रहा है या नहीं, या UVW वोल्टेज निकल रहे हैं या नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पे सारी चीजें समझ में आ गई, और यदि आपको लगता है ये आपके लिए काफी यूजफुल है, तो जैसे कि मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके आप इसे Amazon से या इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे लाल बटन पे क्लिक करके, और घंटी का बटन दबाइए, जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय।